तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आपका। तो एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ। शायद ही ये रेसिपी आपने कहीं से देखा होगा, अगर देखा होगा तो मेरे को जरूर बताना कहाँ आपने देखा होगा और कैसे बने, जरूर बताइए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो कुछ रेसिपीज़ को जानने के लिए या तो आपको गांव में जाना पड़ेगा या तो आपको घरों में जाना पड़ेगा। कुछ रेसिपियाँ होटल्स में नहीं मिलती हैं, तो कुछ रेसिपियों को जानने के लिए हम चलेंगे घर पे। तो मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो मेरे पिताजी ने गांव से लेके आए थे ताल। ताल को इंग्लिश में प्लम और हिंदी में ताड़ कहा जाता है। तो इसको छील लीजिएगा पकने के बाद इसको छीला जाता है। तो इसको पकने के बाद छील लीजिए और उसको पिल कीजिए और उसका पूरा पल्प निकाल लीजिए। तो इसका पल्प हमको पूरा बाहर निकालना है। तो इस तरह से आप पल्प को बाहर निकालिए। तो मेरा भांजा बहुत ही शरारती है, तो पल्प को बाहर निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले इस तरह से आपको पूरा पल्प बाहर निकाल लेना है ग्रेट करके। उसके बाद उसमें डालना है कच्चा कोकोनट, मतलब कच्चा नारियल आपको डालना है। उसको फोड़ के आपको पानी निकाल लीजिए, पानी भी ऐड कर सकते हैं बाद में। तो इसको अलग से निकाल के रख लीजिए और उसके बाद नारियल को ग्रेट कर लीजिए, कद्दूकश कर लीजिए। गाँव में तो ऐसे ही कद्दूकश किया जाता है। तो इस तरह से कद्दूकश अपने गाँव में किया जाता है या हर गाँव में पुराने तौर तरीके से इसी तरह से किया जाता है। ऊपर से जो ताड़ है इसका बेसिकली लोग अल्कोहल बनाने में भी करते हैं। तो उसकी एक अलग रेसिपी है जो अलग मैं बाद में बात करूँगा इसके बारे में। तो उसके बाद पल्प ले लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक और ग्रेट किया हुआ नारियल और शुगर लगभग 250 ग्राम ऐड किया है। उसके बाद इसमें हमने राइस फ्लोर, मतलब चावल के पिसे हुए आटे को डाला है हमने इसमें। लगभग आधा किलो आटा इसमें हम लोगों ने ऐड किया है इतने पल्प में। दो ताल के जो पल्प में जितना हमारा पल्प निकलता है उसमें आधा किलो हमने आटा डाला है शुगर। इसके बाद थोड़ा सा हमने पानी डाल के इसको मैश कर लेना है, अच्छे से मैश कर लेना है ताकि सब पूरा मैश हो जाए, शुगर भी हमारा पल्प और आटा जो कि मैश हो जाए। राइस का आटा इसलिए डाला जाता है ताकि वो क्रिस्पी बनता है। यहाँ पे हमने तेल लिया है ताकि फ्राई हो अच्छे से, मतलब डीप फ्राई किया जाता है इसको। तो डीप फ्राई करेंगे, उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जैसे पकोड़े के शेप में या जैसे होटल्स में मंचूरियन बनाते हैं तो उसी शेप में हम इसको पकोड़े के शेप में इसको बना के निकालना है। तो इस तरह से आप बना के निकाल लीजिए और गोल्डन होने तक को आपको इसको फ्राई करना है। तो आपको तो बेसिकली पता ही होगा पकौड़े किस स्टेज में निकाला जाता है। तो इस तरह से गोल्डन स्टेज में आपको निकाल के बाहर रखना है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये बन के रेडी हो चुका है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे इसको, और आपकी भाषा में इसको क्या बोला जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो नई रेसिपी के साथ में, और मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अब तक ओके, बाय, लव यू ऑल।